हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं संदर्भ और व्याख्या कैसे लिखते हैं, हम कैसे संदर्भ और व्याख्या लिखें ताकि पूरे नंबर मिलें। तो यहाँ पर हमने दो श्लोक लिए हैं, इन दोनों श्लोक का हम संदर्भ और व्याख्या यानी कि अनुवाद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन कक्षा 10 हिंदी में हमेशा पूछा जाता है, चाहे ऊपर वाला पूछे या फिर नीचे वाला पूछे। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर के लिए, उसमें आपको संदर्भ और अनुवाद करना होता है। तो यहाँ पर देखिए आपके श्लोक क्या है, किम नु हित्वा प्रियो भवति किन नु हित्वा न सोचति किन नु हित्वार्थवान भवति किन नु हित्वा सुखी भवेत, अथवा मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा न सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसमें से कोई एक पूछेगा तो यहाँ पर इसका संदर्भ सेम ही रहेगा, दोनों में से कोई भी पूछे तो संदर्भ आप सेम ही लिखिएगा। तो इसका हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्रार्ण पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, यानी कि ये महाभारत की कहानी की तरह है। वहाँ पर जो हमारे हैं युधिष्ठिर और यक्ष, उनके बीच में वार्तालाप होता है, उन्हीं के ये श्लोक हैं, उसमें प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम इनका अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले वाले का अनुवाद करते हैं, किम नु हित्वा प्रियो भवति, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, यक्ष पूछता है, यक्ष पूछेगा और यहाँ पर दूसरे वाले में दूसरे श्लोक में युधिष्ठिर जवाब देंगे। यक्ष पूछता है क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, किम नु हित्वा प्रियो भवति मतलब क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, यक्ष पूछता है। और देखिए आगे, किन नु हित्वा न सोचति और क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। आगे क्या है, किम नु हित्वार्थवान भवति, इसका क्या मतलब होता है, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। इस पहले वाले का ये अर्थ होता है कि क्या अर्थ है कि क्या त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्या त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है और क्या त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। ये यक्ष पूछता है किसे, युधिष्ठिर से। और दूसरे श्लोक देखिए, मानव हित्वा प्रियो भवति, इसमें क्या होता है, युधिष्ठिर जवाब देते हैं यक्ष को, ठीक है। मानव हित्वा प्रियो भवति का मतलब क्या हुआ, अभिमान त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। ये कौन कहता है, युधिष्ठिर कहते हैं कि अभिमान त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। आगे देखिए, क्रोधम हित्वा न सोचति, यानी कि क्रोध को त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है। आगे क्या है, कामम हित्वार्थवान भवति, इसका मतलब क्या हुआ, कामना यानी कि इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है। उन्हीं का आंसर है जो ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं का ये उत्तर है यहाँ पर। आगे देखिए, लोभम हित्वा सुखी भवेत, यानी कि लोभ को त्याग कर, लोभ को छोड़कर मनुष्य सुखी बनता है। ये कौन कहता है, ये युधिष्ठिर कहते हैं, यानी कि ये दूसरे वाले श्लोक का अर्थ क्या होगा, अभिमान त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है, क्रोध त्याग कर मनुष्य शोक नहीं करता है, कामना यानी इच्छा त्याग कर मनुष्य धनवान बनता है और लोभ त्याग कर मनुष्य सुखी बनता है। ये दूसरे वाले का अनुवाद है। तो इसमें से कोई एक पूछेगा तो यहाँ पर संदर्भ दोनों में सेम ही रहेगा, बस अनुवाद अलग अलग होगा। इनमें से ध्यान रखिएगा, कोई एक हमेशा पूछता है 5 नंबर के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।